नमस्कार दोस्तों, परीक्षा प्लस में आपका स्वागत है। मैं आलोक शुक्ला आपके सामने सबसे बड़ा जो आप इतने दिन से बोल रहे हो कि सर्वे कहाँ गया, सर्वे कहाँ गया, सर्वे लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये सर्वे किस लिए था ये तो आपको मालूम है कि यूपी ट्रिपल एससी लोअर 30 तारीख को और 1 तारीख को, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को, चार शिफ्ट में, दो दिन में चार शिफ्ट, एक दो करके सुबह और शाम करके चार शिफ्ट में पेपर कराए। पेपर का लेवल क्या था थोड़ा बहुत हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, आप लोग उसका अंदाज़ा लगा लिए भी होंगे। और ये सब सर्वे पूरी एनालिसिस आपके सामने, डेटा जो मैं लेके आया हूँ ये आपके द्वारा ही प्रोवाइड किया गया है। मैंने तो 2000 लोगों का डिमांड किया था कि 2000 लोगों का डेटा हमारे पास आ जाएगा, फिर मैं सर्वे आपके सामने लेके आऊँगा, पूरा एनालिसिस, क्या कट ऑफ जा सकती है, नॉर्मलाइजेशन क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है, ये सब मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट हमारे पास 2000 लोगों का होना चाहिए। आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा सहयोग भी दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन थोड़ा सा कम रह गया। 1800 का डेटा हमारे पास है, 1800 लोगों ने लगभग सर्वे में भाग लिया, फॉर्म भरा जिसमें उन्होंने अपना नाम, कितने क्वेश्चन वो सही किए, कितने क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया और उनका स्कोर क्या आ रहा है, वो सब उस फॉर्म में फिल किए, जिसके बदौलत हम आपके सामने एक एनालिसिस लेके आए हैं। जो कुछ सीन ऐसा होगा वो हम आगे आपको बताते हैं। तो ये जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है ये और कुछ नहीं, ये वही डेटा है। अगर आप सबसे पहले इस सैंपल सर्वे को देखें, 1800 लोगों का नंबर ऑफ जो कैंडिडेट हैं अगर हम जोड़ें, 1800 लोगों का हमने उसे डिवाइड कर दिया है किसके बीच में क्या कितने हैं, मतलब कि 0 से 150 मार्क्स, मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो यूपी ट्रिपल एससी और ये जो यूपी पीसीएस होता है, यहाँ पे जो बच्चे होते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन पे अपना काउंट करते हैं, ठीक है, आप किसी भी तरह काउंट करिए, मैं मार्क्स पे यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। मार्क्स 0 से 150, मतलब 150 से कम पाने वाले बच्चे 316, ये 316 वो हैं, मतलब मेरे पास जो 1800 बच्चों का डेटा आया है उनमें से 316 लोग 0 से 150, मतलब कि 150 या 150 से कम अंक पाए हैं। आगे बढ़ा जाए तो 151 से 160, यानी कि ये 10 नंबर का जो रेंज है इसमें 106 लोग हैं, और जैसे जैसे हम डेटा में बढ़ते आएंगे 161 से 170 नंबर के बीच में 138 लोग, 171 से 180 के बीच में 140 लोग, इसको देखिए आप 181 से लेके 100 नंबर, मतलब ऐसे बच्चे जिनका नंबर 181 नंबर से 190 के बीच में आ रहा है उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। मैं फेसबुक पे भी थोड़ा सा आपको दिया था कि जो सबसे ज़्यादा बच्चे हैं वो इस रेंज में नंबर पा रहे हैं 170 से 200 के बीच में, 170 से 200 के बीच में अगर आप देखें तो यहीं पे सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। और इसका कारण भी है, कारण इसके दो हैं। देखिए, पहली बात तो जब मैं यूपी ट्रिपल एससी का आया था, आपका सिलेबस वगैरह पैटर्न वगैरह आया था, तभी मैं आपसे डिस्कस किया था, एक वीडियो लेके आया था कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। उस समय मैं आपको बताया था कि ये एग्जाम ऐसा एग्जाम है जिसमें ना तो बहुत हाई नॉलेज लिख पर्सन, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कोई ऐसा पर्सन जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सिविल वाले बच्चे थे वो अगर अपने में तेज हैं तो उन्हें मैथ और रीजनिंग में पीछे थे, वनडे वाले बच्चे अगर उनकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी होती थी तो जीएस कमजोर था, मतलब दोनों 50-50 में थे, और उसका इम्पैक्ट यहाँ पे दिखा है। अगर मैं इस डेटा को आपको ठीक सामने लाऊं तो ये देखिए, अगर हम 230 से ऊपर जाएं, 230 नंबर से ऊपर जाएं तो ये बहुत तेजी से कम हुआ है। आप ये समझिए 1800 लोगों में 70-80 लोग, केवल 80 लोग भी ढंग के नहीं हो पा रहे हैं, जो आपके 1800 लोगों में 80 लोग जो 230 के ऊपर पाए हैं। ये साफ साफ बता रहा है कि जो बच्चे थे वो सभी लगभग 50-50 थे और सब आके 100 के आसपास, 100 क्वेश्चन के यानी 200 नंबर के आसपास आके गिरे हैं। उसका एक कारण और भी है, जो पेपर आपका लोअर में सेट हुआ था, मैं पेपर की बात थोड़ा डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा समय ले जाऊंगा, जो पेपर था वो बहुत बैलेंस्ड था, मैंने रणनीति भी बताई थी, उस वीडियो में बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी एक ऐसी संस्था बन चुकी है जो बहुत ही बैलेंस्ड पेपर दे रही है, हर टॉपिक के हर क्वेश्चन को एक एक छू रही है, किसी पेपर में अगर सीआईएसआई मैथ का टॉपिक छूट गया तो किसी पेपर में दे देगा, किसी में कुछ दे दिया, किसी में उसने, अगर चारों पेपर को हम 150-150 पेपर क्वेश्चन का एक पेपर था, अगर हम 600 क्वेश्चन को एक साथ रखें तो कोई भी सिंगल टॉपिक ऐसी नहीं बचेगी जो
UP SSC ने इस लोअर के एग्जाम में पूछा नहीं। तो पेपर बहुत बैलेंस्ड इसने बनाया। पेपर मैं ये भी कहूँगा, बहुत सारे बच्चे हमें व्हाट्सएप के थ्रू फेसबुक के थ्रू बोले कि सर पेपर में गलतियाँ बहुत हैं, ऐसा है वैसा। नहीं, पेपर में गलतियाँ नहीं हैं, हैं जो हैं वो मैंने आपको दे दिया है, फेसबुक पे भी दे दिया है PDF बना के उसका, कि आप उसका ऑब्जेक्शन कर लो करीबन। और जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं वो आपका 1 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट में गलतियाँ हैं, 7 क्वेश्चन लगभग गलत हैं, 5 क्वेश्चन उसमें मैथ के ही गलत हो गए हैं। तो सबसे ज़्यादा 1 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में, 1 अक्टूबर के फर्स्ट सेट में जो गलतियां हैं वो सबसे ज्यादा हुई हैं और 5 क्वेश्चन मैथ में ही गलत हो गए। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा गलतियां हैं, बाकी किसी पेपर में इतनी ज्यादा गलती नहीं है, इतने होते हैं तो गलतियां थोड़ी बहुत तो पेपर में हो जाती हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। लेकिन फिर भी जो UP SSC का पेपर आपके सामने आया बहुत बैलेंस था, बहुत अच्छा पेपर था। ऐसा नहीं था कि उसमें सिविल वाले बच्चे GS बहुत अच्छी आ गई तो सिविल वालों का ही दबदबा बना रहे, या मैथ्स और इंजीनियरिंग बहुत अच्छी आ गई तो वंडो वालों का दबदबा बना रहे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, दोनों लोगों के लिए पेपर बहुत अच्छा था, उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। अब एक बार आते हैं हम इस टेबल पे, थोड़ा ध्यान देते हैं कि आखिर किस शिफ्ट में कहां के बच्चे कितना नंबर पा रहे हैं। ठीक, एनालिसिस क्या कहती है यहां पे, देखिए ये आपका 30 सितंबर का है, ये आपका 1 अक्टूबर का है। 30 सितंबर के तो हम इस टेबल को देख रहे हैं, इसमें 30 सितंबर में शिफ्ट का जो है मैंने अलग अलग बना दिया है, पहले शिफ्ट दूसरे शिफ्ट, ऐसे ही 1 अक्टूबर को जो पेपर हुआ उसमें पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो पहले शिफ्ट में जो मिनिमम नंबर है, मतलब कोई ऐसा एस्पिरेंट, कोई ऐसा कैंडिडेट जो मिनिमम नंबर पाया है, उसका डेटा हमारे पास 66 है। और वही सेकेंड शिफ्ट में क्या है, 31 है। जो एवरेज मार्किंग है, एवरेज स्कोर पाने वालों की, 30 सितंबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 173 यहाँ पे है, 176 यहाँ पे है। मैं पहले भी बताया था कि जो सेकंड शिफ्ट है 30 तारीख की भी और 1 अक्टूबर के भी सेकंड शिफ्ट सबसे आसान शिफ्ट में से है, वो यहाँ से भी पता चल रहा है। यहाँ पे देखिए 173 है, यहाँ पे एवरेज 176 है, यहाँ पे 172 है, यहाँ पे एवरेज 183 है। और अगर सबसे टफेस्ट शिफ्ट का देखा जाए तो जिसमें सबसे कम एवरेज, वो सबसे टफ शिफ्ट को हम मान सकते हैं। इस शिफ्ट में आने वाले, 1 अक्टूबर के पहले शिफ्ट में आने वाले बच्चों का एक नुकसान और हुआ है और हो जाता है, जब आपके पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं तो बच्चा क्या करता है कि एक क्वेश्चन को लगाता है और उसे इतना नहीं पता होता है कि ये क्वेश्चन गलत है कि सही है, उसे ये लग रहा होता है कि नहीं, हो सकता है मुझसे कोई गलती रह गई हो और मेरा कैलकुलेशन सही नहीं हुआ हो। तो जो क्वेश्चन एक बार में लगा के आ जानी चाहिए उसे वो कम से कम 3 बार लगाता है, तो उसका समय जाता है। और ऐसे अगर मैथ में ही 5 क्वेश्चन, मैथ भी उसकी थोड़ी कैलकुलेटिव थी, 5 क्वेश्चन गलत हो जाना, बच्चा अगर 3 क्वेश्चन का टाइम लेके जाएगा तो इसका मतलब 15 क्वेश्चन का टाइम लेके गया। और फिर यहीं पे सबसे बड़ी बात होती है टेम्परामेंट। रणनीति के वीडियो में मैं आपको बताया भी था कि स्किपेबल रोल आपको सबसे अच्छा खेलना है। आप सबसे पहला काम ये करना था कि पेपर को 150 क्वेश्चन एक बार में देख जाओ, किसी भी क्वेश्चन में एक बार में लगा तो सही, नहीं लगा तो सही, उसमें आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है। जो बच्चे फंस गए यहीं पे उनका पेपर थोड़ा सा बेकार हो गया, थोड़ा सा, मैं नहीं कहूँगा कि सभी का बेकार हो गया, लेकिन एवरेज स्कोर थोड़ा सा कम हो गया। और सबसे ज़्यादा सफ़र भी इसी बच्चे कर रहे हैं, थोड़ा सा टफ था लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरा पेपर टफ था, GS डूएबल थी, अच्छी थी बाकी शिफ्ट की अपेक्षा। इस शिफ्ट की जो रीजनिंग थी वो भी इतनी नहीं थी, थोड़ा 19-20 थी, हालांकि रीजनिंग तो लगभग चारों शिफ्ट का कंपेरेबल था, 1 तारीख की दोनों शिफ्ट की तो रीजनिंग तो लगभग कंपेरेबल थी, 19-20 ही थी। इनकी रीजनिंग थोड़ा बहुत, मैं उसकी बात बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा। ठीक, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे वो बोल रहे होंगे आपको क्या लग रहा है कि हमारी शिफ्ट आसान थी, तो देखिए भाई जो सही है वो मैं बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पे क्या गलत लग रहा है क्या सही लग रहा है वो आप अपने पास अपने समझ से करिए। जो है वो डेटा आपके सामने, ये मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा डेटा बोल रहा है कि एग्जैक्टली किस में हाईएस्ट गया है। 1 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट में 183 नंबर गया है एवरेज, 183 नंबर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए ये पेपर आसान भी था, क्योंकि ये चौथा शिफ्ट था इसलिए बच्चों को थोड़ा बहुत, देखिए ये ऑनलाइन पेपर नहीं था, प्लस इस सेक्शन के जो बच्चे होते हैं UP SSC के, UP PCS के, इन सब के जो बच्चे होते हैं वो इतना सोशल एक्टिव नहीं होते, सोशल एक्टिव मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव, फेसबुक वगैरह पे। अभी यही SSC होता तो 4 दिन काफ़ी होते थे पूरा पेपर को पैटर्न निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे फिर भी वो पेपर भी जमा करवा लेते हैं, तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी थी, अच्छा था यहाँ पे, इसको मैं कहूँगा उतना नहीं बढ़ा, लेकिन फिर भी जिनको फ़ायदा लेना था वो फ़ायदा ले लिए।
30 के पहले शिफ्ट से और 1 के सेकंड शिफ्ट में काफी टाइम उन्हें मिला और उसका फायदा ले रहे, लेकिन उसके लिए घबराना नहीं है। उसके लिए एक दूसरा रूल है हमारे पास, वो क्या है, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो किसका ज्यादा गया किसका कम गया वो उसका फायदा अपने आप मिल जाएगा, नुकसान कुछ नहीं होना, सभी को फायदा ही मिलता है नॉर्मलाइजेशन में, जैसा ये लोग कराते हैं अभी तक तो यही देखते आए हैं। फिर भी मैं नॉर्मलाइजेशन पे बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं अभी एनालिसिस पे बात करूंगा कि 1 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट में एवरेज सबसे ज्यादा गया है, 1 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज सबसे कम गया है, 30 अक्टूबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट लगभग 173-176। अभी आप समझ रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि 183 चला गया, बहुत चला गया। मैं आपको समझाता हूँ, ऐसा नहीं है। जो 1800 बच्चे फॉर्म भरे हैं सर्वे का, आप यकीन नहीं करेंगे, उस 1800 में सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो ये हैं। कारण क्या है, जिनके भी सबसे ज्यादा नंबर ही पा रहे हैं बच्चे, इस शिफ्ट के बच्चे 195-196 से लेके, ऑन एवरेज की बात कर रहा हूं, 205-210 ऐसे नंबर बहुत आराम से पा रहे हैं। तो इन बच्चों का मोरल ऑलरेडी हाई है, ये डिमोरलाइज नहीं है। ठीक है, अब मोरल हाई है तो ये सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहीं पे 1 अक्टूबर का बच्चा सबसे कम यहीं से आया है कलेक्शन डेटा का, ये भी बात समझिएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे बच्चा डिमोरलाइज है, उसे लग रहा है कि अरे यार मेरे केवल 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मेरे 80 क्वेश्चन केवल सही हो रहे हैं, मैं सर्वे को क्या फिल करूं, मेरा तो होना नहीं है। नहीं, ये सबसे गलत है। अभी आप कैसे अपने आप को मान लिए कि आप बाहर हो गए हो, अभी तो पूरा गेम ही बाकी है, है ना। यहाँ पे बच्चे मॉरलाइज है इसलिए यहाँ पे ज्यादा डेटा आया, यहाँ पे कम आया। ऐसा हो सकता था कि अगर हमारे पास डेटा ज्यादा आता, आप लोग और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते। जब भी हमारी टीम आपके लिए कुछ लेके आती है ना, तो एक बात तो आप यकीन करा करिए कि बहुत मेहनत करने वाली होती है। इस सर्वे में 1800 लोगों का डेटा कलेक्ट करना और फिर उसका पूरा सैंपल सर्वे बनाना, उसका वेरिएंस निकालना, बहुत सारा टाइम जाता है कि किसमें क्या हो सकता है, कितना कट ऑफ जा सकता है, किस रेंज में कितने बच्चे आ सकते हैं, कि पूरे बैकग्राउंड में आप टीम की मेहनत नहीं समझते। आपको बस इतना करना होता है कि आप पार्टिसिपेट करें एक्टिवली, ये आपके फायदे के लिए है, आपके भविष्य के अच्छे के लिए है। तो आप इसे एक्टिवली, भविष्य में कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो तो उसमें किया करिए। अब हाँ, तो 183 सबसे ज्यादा इसका गया, यानी कि अभी के हिसाब से सबसे आसान है। 172 इसका गया, अभी के हिसाब से सबसे कम है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में ये दोनों थोड़ा बहुत काउंटर इफेक्ट आएंगे। दूसरी बात, कई लोग बस सोच रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में क्या बहुत ज्यादा फायदा होगा कि नहीं होगा। इस बात को मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा, ज्यादा तो मैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी SSC में नॉर्मलाइजेशन देखे, वेंडर दोनों का सेम है, TCS करा रहा है, तो SSC का नॉर्मलाइजेशन देखे तो वहां पे तो बहुत ज्यादा नंबर डिस्ट्रीब्यूट हुए। यहाँ पे क्या है, अभी पिछला हम वीडियो का देखें तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज्यादा रोल UPSC में नहीं है। लेकिन अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो पहली बात तो पेपर केवल 4 शिफ्ट में हुए हैं। SSC वगैरह में पेपर 21 शिफ्ट में होते हैं, 21 शिफ्ट में हर पेपर में 100 क्वेश्चन होता है, 2100 क्वेश्चन में कितने बच्चों को कौन सा क्वेश्चन मिल रहा है वहां पे वेरी बहुत होता है। यहाँ पे पेपर का लगभग लेवल भी सेम था, किसी में अगर GS थोड़ी सी 20 थी तो उसकी रीजनिंग 19 थी, किसी में मैथ आसान थी तो हो सकता है उसका साइंस आसान टफ कर दिया हो, या ऐसे करके किस कोई एक सेक्शन हल्का सा कंफ्यूजिंग या टफ करके दूसरे सेक्शन को आसान किया है। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई पेपर बहुत टफ था, कोई पेपर बहुत आसान था। हाँ, ये बात अलग है कि किसी पेपर में बच्चों का एवरेज कम गया, वो ज्यादा गया, उसके और भी रीजन है। उसका रीजन यहाँ पे इसमें है नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन, या जो सबसे बड़ा कारण है नंबर कम होने का वो है नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन। बच्चे का समय ज्यादा गया, वो पेपर में हाइपर हुआ, डिमोरलाइज हुआ, इस कारण वहां पे थोड़ा पेपर उसका गिरा। लेकिन उसे चिंता करने की बात नहीं है, फायदा उसको मिलेगा। फायदा कैसे मिलेगा भाई, 7 क्वेश्चन अगर आयोग सही कर देता है तो आप 7×14 नंबर तो वैसे पा जाओगे, और 14 नंबर पा जाओगे तो बस आगे इनके एवरेज के बराबर, फिर तो कोई मतलब नहीं रह गया ना। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। ये जो दोनों डेटा आपके सामने आई है, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि 230 से ऊपर पाने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है। क्लियर, जो बच्चे हमें डेटा देते हैं ऐसा भी समझिए, जिनके नंबर ज्यादा है वो अपना नंबर शेयर करने में खुशी मनाते हैं, जिनका नंबर कम है वो अपना डेटा देने में थोड़ा संकोच करते हैं। अगर मैं इस 1800 को 500,000 पे लेके जाऊं, 5.5 लाख पे जितने बच्चों ने एग्जाम दिया, तो यहाँ पे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, बढ़ने वालों की संख्या यहाँ पे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि भाई लेना तो उन्हें 20,000 ही है, अगर 20,000 लेने तो बाहर कितने हो रहे हैं, 5,30,000 बाहर होंगे, तो 5,30,000 इसमें थोड़ी आएंगे, वो यहाँ आएंगे। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे 80 है तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, 1,000, 1,500, 2,000 जो भी हो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा 230 के ऊपर नहीं बढ़ने वाले। अब अगर 230
के ऊपर नहीं बढ़ने वाले हैं, ये बच्चों का मैक्सिमम स्कोर जा रहा है। अभी समझिएगा, 247.5 30 तारीख के सेकंड शिफ्ट में ये हाईएस्ट नंबर है। अभी तक जो मुझे डेटा मिला 247.5 अभी तक हाईएस्ट है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ 105 चली जाएगी। देखिए, मैं कट ऑफ के बारे में ऐसा आंख बंद करके कुछ नहीं बोलूंगा, जो मेरे सामने डेटा है और जो डेटा बोलता है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं कह रहा हूँ, डेटा यही कह रहा है कि 30 तारीख का सेकंड शिफ्ट, लोग इसे आसान भी बोल रहे हैं, आसान ठीक है, थोड़ा एवरेज ज्यादा है, लेकिन फिर भी हाईएस्ट कितना गया है, 247.5। भाई कोई बच्चा ही पाया होगा, और अगर इसका ज्यादा गया होता तो मुझे इसमें भी 273-274 मिलते। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट कितना है, 273। पहली बात, पेपर में जो अगर चारों शिफ्ट को मिला लिया जाए तो हाईएस्ट 273 है। हाईएस्ट कितना है, 273। रणनीत के टाइम पे भी मैं आपको बोला था कि किसी भी एग्जाम का, और खासकर जब पेपर ऑफलाइन मोड में होता है, तो ह्यूमन एरर 10% हो जाती है। अगर 150 क्वेश्चन थे और 15 क्वेश्चन ह्यूमन एरर हो गया तो 30 नंबर तो वही चला गया, वही तो है। एक टॉपर बच्चा जिसको सब आता है, जिसका सारा पेपर आता है, वो भी अपने ह्यूमन एरर या किसी के कारण 30 नंबर तो कम उसका होगा ही होगा। तो फिर मैक्सिमम बच्चे तो एवरेज वाले होते हैं, अगर सारे टॉपर ही बैठ जाए तो देश सुधर जाए, है ना? ऐसा तो है नहीं कि सारे यहाँ पे 30 मार्क आई हैं, मैक्सिमम तो एवरेज बच्चे होते हैं। तो एवरेज बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है वो कहाँ अप्रोच करेगा। आप देख रहे हैं 247 इसमें टॉपर है, तो ये डेटा क्या कह रहा है कि 230 से ऊपर ज्यादा बच्चे नहीं है। तो 230 से ऊपर बच्चे नहीं है तो कहाँ है भाई? 230 से ऊपर नहीं है बच्चे तो यहाँ है बच्चे, है ना? सबसे ज्यादा बच्चे इस रेंज में हैं। आप आसानी से देख सकते हो कि अगर मैं इसे मिला लूं, है ना, चलिए मैं इन पूरे को मिला लूं, लेकिन ये उनकी बात कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन होना है, जिनका सिलेक्शन होना है उनमें से सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पे हैं। ऐसे बोलिए तो 5.5 लाख में सबसे ज्यादा बच्चे तो यहाँ पे होंगे, लेकिन जो 20,000, अभी तो क्लियर नहीं है कि 20,000 एग्जैक्टली ले रहा है कि 20 गुना ले रहा है, मैंने RTI भी डाला है, आपको बहुत जल्दी आ जाएगी इन्फॉर्मेशन, तो मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली आयोग कितना ले रहा है, 20,000 ले रहा है कि 20 गुना ले रहा है। 20,000 ले रहा है तो आप अपनी दिवाली अच्छे से मनाइए, अगर 20 गुना ले रहा है तो भी अच्छे से मनाइए, उसके लिए निराश मत होइए, बहुत आराम से हो जाना है। मैं अभी आपको पूरा फाइनल पे आता हूँ, वीडियो को देखते रहिए, लास्ट में आएंगे सब कुछ एनालाइज कंक्लूड करके आपको बताऊंगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे कहाँ हैं, 138 से 155 के बीच में है। अगर डेटा बढ़ता और डेटा बढ़ता तो नंबर ऑफ लोग भी यहीं पे ज्यादा आते, लेकिन फिर भी इतने लोग नहीं आ जाएंगे कि 20,000 कवर हो जाए, ये बात भी आप समझिएगा। जिस एग्जाम में हाईएस्ट 220-230 जा रहा है नंबर ऑफ, मैक्सिमम बच्चे वहां पे जा रहे हैं, उस एग्जाम में बहुत लोग बता रहे हैं कि कट ऑफ 215-220 नंबर, यानी कि 105-110 क्वेश्चन जाएगा, कैसे जाएगा? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डाटा बोल रहा है, और ये आप अपने विवेक से भी सोच सकते हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा कौन क्या कह रहा है, मैं बस इतना बोलूंगा कि डेटा क्या बोल रहा है। डेटा ये बोल रहा है कि इस जोन में मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे हैं। तो ये हमारे दो टेबल थी, दो टेबल मैंने आपको बता दिया कितने नंबर ऑफ बच्चे कहाँ पे ज्यादा पा रहे, कौन सा शिफ्ट कैसा था। पेपर में क्वेश्चन गलत है वो मैंने PDF दे दिया, PDF को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, ऑब्जेक्शन वाले जो बच्चे ऑब्जेक्शन नहीं किए हैं वो अभी कर ले, ठीक है ना? अगर आपको ऐसा लगता है कि सॉल्यूशन कहाँ से दें तो उस वीडियो जो भी PDF है आपके पास वहां से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट को आप सीधा पोस्ट कर दीजिए, एकदम ऑथेंटिक सॉल्यूशन दिया गया है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया गया है, स्टेप वाइज, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आराम से आप उसे ऑब्जेक्शन करिए, आपको उसका नंबर मिलेगा, आपको उसका फायदा होने वाला है। आते हैं वीडियो के थोड़ा कंक्लूजन में आते हैं कि टेबल हमने डिस्कस कर लिया है, बच्चों की सबसे बड़ी जो सबसे ज्यादा जो पूछ रहे हैं कट ऑफ क्या हो। देखिए मैं सबसे पहली बात समझाना चाह रहा हूँ कि इस एग्जाम में कट ऑफ अपना रोल बहुत ज्यादा प्ले नहीं कर रहा है। कट ऑफ नहीं रोल प्ले कर रहा है, इसके कहने का मतलब क्या है, ये जो आपका प्री का पेपर था ये आपका क्वालिफाइंग था, ठीक, क्वालिफाइंग का मतलब इसका मार्क्स आपके मेंस के एग्जाम में नहीं जुड़ना है, और अगर आपके मेंस के एग्जाम में नहीं जुड़ना है तो बस आप भगवान से ये मनाइए कि मेरा हो जाए, बस कैसे भी हो जाए ये मनाइए हो जाए। कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूं, जो डेटा कह रहा है कि जब मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे 161 से 170 इस रेंज में आ रहे हैं, और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है 20,000 या 20 गुना जो भी हो, अगर जाएगा तो इसके पास ही कहीं रहेगा,
इसके पास कितना रहेगा, जो हमारी टीम ने पूरा एनालिसिस निकाला है, इसका पूरा डाइवर्जेंस निकाला है, ठीक है, पूरा सैंपल सर्वे से निकाल के उससे 5.5 लाख पे टेंड करके जो एक ऑब्जर्वेशन आई है वो बता रही है कि किसी का भी, बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई भी ऐसा बच्चा जिसका 88 क्वेश्चन सही हो रहा है, इसके ऊपर 88 के ऊपर, देखिए मैं कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ, कट ऑफ हो सकता है 88 से 92 के बीच में कुछ भी चले जाए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर आपके 176 177 नंबर आ रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं आप, 176 177 नंबर आ रहे हैं, तो आप बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताए, आप अपनी तैयारी अभी से चालू कर दीजिए। क्यों? कारण ये है कि अभी बहुत लोगों को लग रहा है, अरे सर क्या बोल रहे हैं, इतना कम कट ऑफ कैसे हो जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, डेटा तो बोल ही रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, डेटा बोल रहा है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि 88 से 92 रेंज जो भी हो, जिनका भी 88 से ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, वो तैयारी करना शुरू कर लो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब दिसंबर के माह में रिजल्ट आए और आपका सिलेक्शन हो जाए, आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर लो, और आप किसी की बात मान के कि भैया कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, अपना 2 महीना बर्बाद किए हो, तब आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा, बहुत ज्यादा समय लूज कर दोगे। दूसरी बात ये, क्योंकि प्री का नंबर जुड़ना नहीं है, अभी प्री का नंबर जुड़ना होता तो मैं ये नहीं बोलता कि आप 88 क्वेश्चन सेफ है, नहीं, एकदम नहीं बोलता, तब मैं ये बोलता कि हाँ भैया सेफ 95-96 के पास ही है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर जुड़ना ही नहीं है, मेरिट आपकी बननी नहीं है इस पे, मेरिट तो आपके मेंस के परफॉर्मेंस पे बननी है, तो आप क्यों रिस्क ले रहे हो? आगे बात समझ में, डेटा की बात मानो, सर्वे की बात मानो, खुद के अंदर पॉजिटिविटी लाओ, सारी किताबें फिर से इकट्ठा करो, एक एक सेकेंड आपके लिए जरूरी है, और सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, ये बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत अच्छी पोस्ट है आपके लिए, ये लग गए तो जिंदगी आपकी यहीं से बदल जानी है। जिनके भी 88 क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं, 176-177 नंबर के ऊपर आ रहे हैं, वो सभी लोग मेंस की तैयारी करो, ये मेरी पूरी टीम बोल रही है, ठीक है। आपके लिए मेंस की तैयारी के लिए हमारी पूरी टीम बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज बना रही है, वो आपके सामने लेके आएगी। प्री में भी हमने जितना हो सकता था, हमने सारा मटेरियल आपको दिया, मैथ्स का दिया, रीजनिंग का दिया, जीएस का दिया, जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े थे, जो भी हमसे एफबी पे जुड़े थे, और उनका बच्चों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया। और मैं देखिए ऐसा कुछ नहीं कहूंगा कि आपको लग रहा होगा अपने मुंह से बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप बस इतना समझिएगा कि एक टीचर के सीट से अगर एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है उस टीम के लिए, ये हमारे लिए खुशी की बात है। हमारे जो मैथ की सीट प्रोवाइड की गई थी उसमें टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 46 एग्जैक्टली आपके कौन से इस शिफ्ट में आया है। आगे बात समझ में, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, सेम डिजिट, कुछ भी चेंज नहीं है, आंसर भी आपका वही है। तो ये आप वहां से पता लगा सकते हैं कि टीम की क्वालिटी क्या है। टेस्ट सीरीज हम आपके लिए फिर से लॉन्च करेंगे, पिछला जो था बहुत अच्छा रिस्पांस था, और जितने बच्चे जुड़े थे मैं दावे के साथ कह रहा हूँ उसमें मैक्सिमम बच्चों का तो प्री में होना है। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं, ये जो 247.5, ये मुझे खुशी हो रही है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, 247.5 अभी तक का हाईएस्ट है, ये और कोई नहीं, हमारे ही से जुड़े हुए, टेलीग्राम से जुड़ी हुई एक लड़की है जिसका ये आ रहा है। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा अभी, ये आपको बाद में पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक के जो सर्वे में सबसे हाईएस्ट नंबर आ रहा है वो टेलीग्राम ग्रुप पे है। समझने वाले समझ गए होंगे, टेलीग्राम पे जो भी जुड़े हैं वो भी समझ गए होंगे, और जिसका आ रहा होगा वो भी समझ गए होंगे, और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है। चलिए ठीक है, फिर आप अपनी तैयारी पे जुट जाइए। आपको दशहरा तो आज, खैर ये दशहरा के सामने ही मैं शूट कर रहा हूँ, बीत गया, दिवाली के लिए बहुत बहुत बधाई, ठीक है, धन्यवाद।